हेलो। हेलो। अरे भाई, कैसे हो तुम? और आज ये सुबह सुबह कैसे याद कर लिया हमें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। क्या वाकई? वाह भाई, ये सुबह सुबह तुमने इतनी गुड न्यूज़ दे दी। तो फिर जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं अभी जाकर आसिफ को तुम्हारी ये खबर सुनाती हूँ। हाँ हाँ तुम्हारी मुमानी बिल्कुल ठीक है, अभी जाकर मैं उन्हें तुम्हारे आने की खबर देता हूँ। ओके। आसिफ, एक गुड न्यूज है आपके लिए। एक नहीं, दो गुड न्यूज है। क्या मतलब? भाई मेरे पास भी आपके लिए गुड न्यूज है। तो पहले आप मुझे बताएं। नहीं, पहले आप। क्या बच्चों की तरह क्यों जिद कर रहे हो, बताओ ना। नहीं। वो सुकैना नहीं है मेरी भांजी, वो आ रही है कराची। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। जी भाई, कुछ इसी तरह की खबर हमारे पास भी आपके लिए है। यासिर आ रहा है, कुछ दिनों के लिए हमारे पास ही रहेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, ये दोनों आ जाएंगे ना घर में, बहुत रौनक हो जाएगी। भाई मेरा भांजा तो बिल्कुल मेरी तरह है, जिस महफिल में बैठ जाता है महफिल की जान बन जाता है। फिर आप सिद्रा को भूल रहे हैं, हमारी फैमिली की सबसे एक्टिव लड़की है वो, आने तो दें उसे। अच्छा भाई, अभी तो ऑफिस को लेटर हूँ, बाकी बातें बाद में। अच्छा सुने, वो शाम में जरा जल्दी आइएगा। ये बात रोज कहना जरूरी है क्या? बस आ जाइएगा ना जल्दी। क्या बात है, कोई खास बात है? जब आप शाम में आएंगे ना वजह आपको खुद पता चल जाएगी। अब आप जाएं। ओके। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ये तुम इतनी एक्साइटेड क्यों? आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। आज क्या डेट है? आज 6 मार्च। मुझे याद है, आज हमारी शादी की सालगिरह। आप भूल गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज दूं। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। आई लव यू। आई लव यू टू। वैसे बाय द वे, आज बहुत रोमांटिक नहीं हो रहे हो? आज तो बनता है, दिन ही ऐसा है। अच्छा सुनो, मैं एक बात सोच रही थी। क्या सोच रही? मैं सोच रही थी कि सुकैना और यासिर आ रहे हैं, तो क्यों ना उन दोनों की शादी करवा दें। क्या? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन तो फिर मसला क्या है? हमारी सुकैना इतनी अच्छी बच्ची है, इतनी तमीजदार, शरीफ, सुलझी हुई लड़की है। अबे समझते क्या हो तुम खुद को? बकवास बंद करो अपनी, वरना तुम्हारा जूता उतार के ना तुम्हारी सर पे मारूंगी। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। हाँ तो हमारा यासिर भी किसी से कम नहीं है, माशाल्लाह लायक, पढ़ा लिखा और मुहज्जब बच्चा है। अरे अंधेर नगरी है क्या कि तुम जूता मार लोगे, चुपचाप खा लेंगे, हरगिज नहीं। अरे छोड़ यार, एक कंप्लेन कर दी तुम्हारी मैनेजमेंट ऑफिस में तो सस्पेंड कर देंगे तुम्हें, सस्पेंड। और वैसे भी इसको पढ़ाई से क्या फर्क पड़ता है यार, तुम कौन सा पढ़ाई में अच्छी हो? तो बस फिर ठीक है ना, मैं आपा से बात कर लेती हूँ कि मैं सुकैना की शादी की बात चला रही हूँ। चलो ठीक है, मैं भी यासिर के घर फोन करके बाजी से बात कर लेता हूँ। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? वो तो सब ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें एक काम करना होगा। वो क्या? हमारे लिए बच्चों की रजामंदी जानना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को पसंद करते हो। हाँ तो ठीक है ना, जब वो लोग आ जाएंगे तो उनसे पूछ लेंगे। अब क्या सारी बातें खड़े होकर करनी है? चलो बैठो ना, मैंने कितना कुछ बनाया है आपके लिए। वैसे सुकैना कब आ रही है? आ जाएगी, सब बता दूंगी, पहले खाना खा के बताओ खाना कैसा बना। लॉन्ग फ्लाइट, चले भाई क्लिप पे जाना है। ओ भाई किधर, ये गाड़ी मैंने मंगवाई है। क्यों भाई, ये देखें। गाड़ी तो गाड़ी होती है, तुमने मंगाई मैंने मंगाई, बात एक ही है। चलो यार। कैसे बात एक है, चलो उतरो गाड़ी से। ज्यादा ना फ्री होने की जरूरत है, क्योंकि ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ तुम्हारे लफंगे दोस्त आकर तुम्हें बचा लेंगे। एक्सक्यूज मी, रो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे मुँह ही लगना चाहता हूँ।
चलो यार। अच्छा अगर मुंह नहीं लगना चाहते ना तो शराफत से इस गाड़ी से उतर जाओ, क्योंकि ये गाड़ी मैंने मंगवाई। उतरू तुम्हारी गाड़ी है, इसमें लिखा है तुम्हारी गाड़ी है। यार मेरी बात सुने, ये पागल लड़की है, दिमागी तुम्हारा इसका खराब है यार। बाय, चलो यार गाड़ी निकालो। अरे क्लिफ्टन जाना यार, निकलो यार, लेट हो रहे हो यार। मेरी गाड़ी है, जाहिल आदमी है, क्या करूं। टैक्सियों की भी हड़ताल आज ही होनी थी, श्री करीम खानी पड़ेगी। अच्छा बस भी करो ना, गुस्सा थूक दो। देखो ना मैं तुम्हारे आने से कितनी खुश हूँ। मैं भी थोड़ी देर पहले तक बहुत खुश थी, जब तक उस मनहूस का चेहरा नहीं देखा था। हाँ वो तो मुझे बता रही थी ना कि इस्लामाबाद में जो यूनिवर्सिटी में तुम्हें कोई लड़का तंग करता है। हाँ बहुत तंग करता है, लेकिन मैं भी उसे छोड़ती नहीं हूँ। उसका मसला क्या है तुमसे? मुझे भी नहीं समझ आता कि आखिर उसको मुझसे मसला क्या है। मैं पूछ रही थी कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन दोस्त हैं तुम्हारे? मेरे हम टोटल 3 फ्रेंड्स हैं, 3 का ग्रुप है, मैं, अमरीन और अंबर, बस। कोई लड़का? लड़का मतलब? मेरा मतलब यह है कि कोई लड़का दोस्त नहीं है। नहीं पता नहीं क्यों, लेकिन लड़कों से मेरी दोस्ती होती ही नहीं है। तो अच्छी बात है वैसे। अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आखिर मेरी लड़कों से बनती क्यों नहीं है, कोई लड़का मुझे समझ में आता क्यों नहीं है, क्यों? चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, मेरे ख्याल से तुम थकी भी हो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। हाँ भाई, सफर कैसा रहा? क्या सफर अंकल, इस्लामाबाद से कराची का हार्डली 2 घंटे की फ्लाइट है, ये भी क्या सफर? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आप बताएं, हाउस इन लाइफ, जिंदगी कैसी चल रही है? अरे भाई हमारी लाइफ का पूछते तो बहुत अच्छी गुजर रही है, बड़ी मजे में। और मैं कहता हूँ कि अगर अच्छी बीवी मिल जाए ना तो आपकी जिंदगी की आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाती है। ये तो है। ऐसे अंकल, आपका और आंटी का जो रिश्ता है ना, वो तुम्हारे पूरे खानदान में मशहूर है। भाई बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ भी ऐसे ही होनी चाहिए, ताकि लोग मिसालें दें तुम्हारी जिंदगी की। अरे अंकल क्या बात कर रहे, आज के दौर में ऐसी लड़कियां कहां मिलती हैं? अरे ये क्या बात कर दी, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। तुमने कोई लड़की वड़की पसंद कर रखी है? नहीं नहीं अभी तक तो मेरे टाइप की मिली नहीं। जिस दिन मिलेगी ना सबसे पहले आपको बताऊंगा। आसिफ मेरी बात, मेरी अभी सुकैना से बात हुई, वो किसी को पसंद नहीं करती। ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरी यासर से बात हो गई है, वो भी किसी लड़की को पसंद नहीं करता। लेकिन एक प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम? वो क्या? वो ये कि सुकैना का ना किसी लड़के से कोई दोस्ती और उसकी बनती नहीं है किसी लड़के से, बल्कि यूनिवर्सिटी में एक लड़का है जिससे उसकी इतनी लड़ाई चल रही कि मैं आपको क्या बताऊं। अरे कैसी बातें कर रही हो, वो यूनिवर्सिटी में, यहाँ नहीं। आप समझ नहीं रहे ना, अभी सुकैना ने ना टैक्सी रोकी, उस पे कोई और लड़का बैठ के चला गया, इसीलिए तो उसका मूड खराब है। अंकल आंटी, ये आप दोनों किसकी बातें कर रहे हैं? वो मेरी भांजी है ना सुकैना, दरअसल उसने अभी टैक्सी रोकी ना, उस टैक्सी में कोई और लड़का बैठ के चला गया, बस उसका मूड इसी बात पे ऑफ हो गया। हे तुम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं पूछने आया हूँ तुमसे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये मेरी खाला का घर है, चलो निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ये मेरे अंकल का घर है, तुम होती कौन है मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाली? हाँ क्या, एक सेकेंड, आसिफ खालो तुम्हारे रिश्तेदार हैं? हाँ बिल्कुल, और तुम यकीनन सारा आंटी की कोई रिश्तेदार होगी। व्हाटएवर, जो कुछ भी है, अगर मैं इस घर में रहूंगी तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। फिर तो ठीक है, तुम अपना बैग ना संभाल लो।
क्योंकि इस घर से मैं नहीं बल्कि तुम जाने वाली हो। अच्छा तो फिर देख लेते कि कौन कहाँ जाता है। हाँ हाँ देख लेते हैं देख लेते हैं। तो इस्लामाबाद से कराची आया था कि थोड़ा सुकून कर लूंगा चिल कर लूंगा, ये अजाब ही मेरे सामने आ गई। ए एक सेकंड, अजाब किसको बोला? हाँ अपनी शक्ल कभी देखिए, किसी अजाब से कम नहीं है। एक सेकंड, ये शक्ल बीच में कहाँ से आ गई? हाँ तुमसे तो काफी अच्छी है शक्ल मेरी। अच्छा बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे कभी घर में कभी आईना नहीं देखा, तो जाके गौर से देख लेना एक बार। निकलो यहाँ से। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं भी यही सोच रही थी यासर, पता है सुकैना और यासर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगे। अरे जाओ जाओ यहाँ से, अभी निकलवाती हूँ तुम्हें इस घर से। शक्ल देखी अपनी है? तुम होती कौन है मुझे घर से निकालने वाली? मैं भी देखता हूँ कौन निकलवाता है। एक सेकंड खाला, ये इंसान जो कि इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है, क्या ये रहेगा इस घर में? यही तो यासर है। जी जी मैं जानती हूँ यही यासर है, एक नंबर का लफंगा। तमीज से। क्या तमीज से? वरना मैं जाओ गया, तुम लोगों क्यों लड़ रहे हो बच्चों की तरह? अंकल अब अगर ये लड़की इस घर में रही ना तो मैं एक मिनट के लिए भी और नहीं रहूंगा यहाँ पर। यासर बात तो सुनो। हाँ मत रहो खाला, मैं बता रही हूँ ये लड़का इस घर में नहीं रहेगा वरना मैं चली जाऊंगी। सो क्या ना? अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो? सायरा बता रही है वो अच्छी लड़की है। हा? अच्छी? My foot. वो जितनी अच्छी है ना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नो अंकल बिल्कुल भी नहीं, मैं एक छत के नीचे उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, किसी कीमत पर नहीं। अब तुम बच्चों की तरह इस तरह जिद करोगे? मैं बच्चों की तरह जिद नहीं कर रही, लेकिन हाँ आप थोड़े दिन उसे घर में बर्दाश्त करेंगी ना तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो इंसान के रूप में एक शैतान है। सो कहना, उसने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई है? मेरी दुश्मनी उससे कुछ हो ही नहीं सकती, मेरी स्टैंडर्ड की रही है, मैच ही नहीं करता। हमारा लेवल बिल्कुल इक्वल नहीं है। कहां वो कहां, बिल्कुल भी नहीं। अरे यार वो सब कुछ ठीक है लेकिन इस तरह घर तो छोड़कर मत जाओ ना। ठीक है मैं नहीं जाती, लेकिन उस यासर के बच्चे को इस घर से निकाल दे, मैं रुक जाती हूँ। अरे वाह, लेकिन ये भी तो बताओ कि ये मैं करूँ कैसे? तो बस मुझे रोकने की जिद मत करेगा, आपको पता है कि मैं यहाँ एक मिनट और नहीं रह सकता। अच्छा तो ठीक है, अगर बड़ों की बात की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है तो जो दिल चाहे करो। जब तुम छोटी थी ना मेरी हर बात सुनती थी, जब से बड़ी हुई हो कोई बात नहीं सुनती हो, बल्कि अब तो खाला से ज्यादा तुम्हारी ईगो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। ऐसी बात नहीं है खाला। ऐसी बात है अंकल, हम गलत सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूं अंकल, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मान जाओ ना। अगर वो लड़का, अरे वो लड़का क्या मेरी खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो फिर उस लड़के की वजह से जा क्यों रही हो? रुक जाओ ना। ठीक है आप प्लीज नाराज मत हो, मैं कहीं नहीं जा रहा। हुँ? सच? जी सिर्फ आपकी खुशी की खातिर मैं नहीं जा रही। गुड गर्ल। हाँ गुड बॉय। आसिफ अब क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा, लेकिन जो सोचा था हमने वो नहीं हो सकता। शादी? हाँ सवाल ही पैदा नहीं होता अब। कितना गलत हो गया ना सब कुछ आसिफ, क्या कह सकते हैं हम। वैसे दोनों ही ना बचपने पे अड़े हुए हैं जबकि बात तो ऐसी है ही कुछ नहीं। क्या कर सकते हैं हम लोग? पता है मैंने इतना सोचा था कि मैं यासर और सुकैना की शादी देखूंगी। देखो सायरा, जरूरी नहीं होता कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वो हो भी जाए। लेकिन कम से कम वो लोग रुक तो गए हैं, हमारे लिए तो यही बहुत है। क्या बात है, नाश्ते की टेबल पे यासर नजर नहीं आ रहा। हाँ मैंने उठाया है उसे, बस आ रहा है। सो कहना सही से नाश्ता करना। ये क्या खा रही हो, कोई तकल्लुफ नहीं करना है तुमने, आप बेफिक्र रहे। गुड मॉर्निंग, लगता है आज तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हुई है। वो क्या है ना खाली,
दादी कहा करती थी कि ज्यादा सोना मनहूसियत की अलामत है, लेकिन जो लोग ज्यादा सोते हैं उन्हें मनहूस कहा जाता है ना? नानी बिल्कुल ठीक कहा करती थी, लेकिन ये बात उनके लिए कही गई है जो रोजाना देर से सोकर उठते हैं। कभी कभी तो चलता है, कभी कभी बंदा लेट उठ सकता है। हाँ बिल्कुल, खैर छोड़े इन बातों को। सुकैना मुझे ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। मुझे अब्बा जान बता रहे थे कि इस सेमेस्टर में तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है। जी आंटी जी, जो लोग हमेशा चीटिंग करके पास होते ना, स्कॉलरशिप नहीं मिलती। क्या मतलब? मतलब ये सुकैना है ना, एग्जाम्स में चीटिंग करने में मास्टर है, मास्टर, पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर है। क्या 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 मतलब क्या तुम्हारी इस बात का? झूठ बोल रहा है ये? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे नोटिस बोर्ड में तुम्हारी इतनी बड़ी पिक्चर लगी थी, तुम कोई मॉडल हो क्या? किसे लगी थी वो? पूरे 4 दिन के लिए सस्पेंड किया था इसे। मेरे ख्याल में ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। नहीं खालू, अब बात खुली है तो बात खुल कर ही रहेगी। आपका भांजा क्लासरूम में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया था, कितना जलील हुआ था बताओ। यासर तुम सिगरेट पीते हो? नहीं नहीं अब अंकल, कहाँ पीता हूँ मैं। तो फिर ठीक है, अभी इसका बैग मंगवाए, अगर उसमें से सिगरेट ना निकले ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मंगवाए क्या मतलब बैग खोले? हाँ किसी की प्राइवेसी होती है, मैं क्यों खोलूंगा बैग? देखा चोर की दाढ़ी में तिनका। एक, तुम चुप करके बैठो चीटिंग क्वीन, मैं बता रहा हूँ। अरे कम से कम मैंने चीटिंग नहीं की, चीटिंग करके मैंने स्कॉलरशिप हासिल थोड़ी की है, चुड़ैल कहीं की। बकवास किए तुमने, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। I'm so sorry, मैं सुकैना की तरफ से माफी मांगती हूँ। सारा टॉवल दो इसको। हाँ हाँ मैं लाती हूँ। चाइल्ड कवार, खत्म इसके, छोड़ूंगा मैं इसे, तब तो लेकर आऊंगा। क्या बात है, बाय द वे कितने अरसे बाद नहाए हो? चला दांत मत दिखा, अच्छी हरकत नहीं की तुमने। अच्छा तुमने तो जैसे बहुत अच्छी हरकत की थी मुझे चीटिंग क्वीन बुलाकर। मैंने सिर्फ सच कहा था, मैडम को बुरा लग गया सच। और वैसे भी सच तो किसी को हजम नहीं होता भाई। हाँ तो देख लिया ना सच का अंजाम। और हाँ नेक्स्ट टाइम मुझसे मोहतात रहना, और हाँ ये मत सोचना कि मैं अपनी खाला के घर आ रही हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगी। इस बदतमीजी का हिसाब तो मैं लेकर आऊंगा। हाँ एक और बात, डरती नहीं हूँ मैं। तो ठीक है मेरे वार का इंतजार करो तुम। इंतजार रहेगा। तो तुम चक्कर लगाओ ना। हाँ हाँ मैं भी आऊंगी। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। अब मैं भी तुम्हारे पास ही आने वाली थी। सब खैरियत है ना? हाँ कुछ जरूरी बात करनी है, बैठो तुम। सुनो सुकैना, ये तुमने बहुत गलत हरकत की है। अरे रहने दे खाला, एक नंबर का ढीठ आदमी है वो, उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं घर छोड़ कर ना चला जाए, आसिफ का भांजा है, अरे ससुराल में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। छोड़े आप पे किस फजूल आदमी की टेंशन ले रही है, जाने दे। ये बताएं कि आयरन कहाँ रखिए? तो मुझे बताओ मैं करवा देती हूँ। नहीं नहीं ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, इसे मैं खुद ही आयरन करूँ, आप बस बता दें। चलो मैं बताती हूँ कहाँ रखी है। सो कहना यहाँ करो इस्त्री। ठीक है। हाँ सो कहना तुम जाओगी कैसे, रास्ते पता है तुम्हें यहाँ के? हाँ वो मेरी फ्रेंड है ना, वो मुझे पिक करने के लिए आ जाएगी। चलो ठीक है। शाइस्ता को एड्रेस तो दिया ही नहीं है, वो मुझे पिक कैसे करने आएगी? और मेरा फोन, एड्रेस तो सेंड करूँ वो आएगी कैसे?
लगता है शिकार जा चुका है। आए, कितना महंगा सूट लग रहा है, जलते हुए कैसा लगेगा? मारा दिल जलाएगा, हम उसके कपड़े जलाएंगे। हमारा दिल जलाएगा, हम उसके कपड़े जलाएंगे। क्या नाम था उसका? खाला, मेरे कपड़े! खाला, मेरे कपड़े जल गए। क्या हुआ? मेरे कपड़े जल गए। मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी कि वो मिस्त्री को जरा थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए था। अबे को ठीक कह रही है, ये कल मेरे भी कपड़े जो है वो जलते जलते बच गए। लेकिन ये इस्त्री तो मैंने अभी तक ऑन ही नहीं की थी, मैं तो अपना मोबाइल लेने के लिए अंदर गई थी। नहीं, मुझे लग रहा है कि तुमने इस्त्री सही से रखी नहीं होगी। आंटी आप कितनी जीनियस हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही हुआ होगा। तुम चुप करो। अच्छा एक काम करो, तुम कोई दूसरा ड्रेस निकाल लो, मैं इस्त्री लेकर आती हूँ। हाँ आए, बहुत महंगा ड्रेस था ना ये। हाँ, I'm really sorry. इसका मतलब है कि ये तुमने किया है ना? हो तौबा 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 तौबा, कैसी बातें कर रही हो तुम? लाहौल वाला कौन, देखो बगैर देखे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। हाँ मुझे पक्का यकीन है कि ये हरकत तुमने ही की। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये हरकत मैंने की है तो जो करना चाहती है कर लो। गुड लक। सो क्या ना, ये लो, मैं ले आई इस्त्री। अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अब कल अपनी फ्रेंड की घर चली जाऊंगी। अरे सुनो तो, ओह नो। तू कहने को इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए, छोटी मोटी बातें तो होती रहती। मैंने भी यही बात समझाई है उसको। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना इन दोनों को कहीं आज बाहर खाने पर ले चलते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, क्यों यहाँ से? शिट, नहीं आंटी, बाहर का खाना खा के मेरा दिल भर गया। मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। वो क्या आइडिया? ये है कि मैं चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेता, तो क्यों ना आज रात मैं आप लोगों को अपने हाथ की बनी चिकन कढ़ाई खिलाऊं। अरे वाह भांजे, तुम तो बड़े काम के आदमी बन गए हो। बस अंकल जी, शौक शौक में सब सीख लिए। तो चलो फिर देखते हैं कि तुमने शौक शौक में क्या सीखा। आंटी क्या बात है, एक बार अगर आप मेरे हाथ पर बना खाना खाएंगे तो कसम से कह रहा हूँ कि उंगलियां चबा जाएंगे आप। अपनी या तुम्हारी। किसी की भी। जी यासिर, तो कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा खाना? बस आंटी जी, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी सिर्फ दम पे लगा दिया खाने को, प्रोबेबली 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। क्या बात है तुम्हारी, तुम तो पूरे के पूरे शेफ हो गए हो। बस आंटी, शौक में हमने ये भी सीख लिया। गुड, तुम अपना खाना तैयार करो, मुझे थोड़ा सा बाहर काम है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक है? ओके। ये तो बन जाएगा। सेल्फोन नजर नहीं आ रहा। सेल्फोन लेके आता हूँ। बढ़ाया खाना बनाने वाला, पता चलेगा कि खाना बनता कैसे। खाना मीठा होना चाहिए और बहुत मीठा। आ
अरे भाई सायरा कहाँ रह गई हो, सब इंतजार कर रहे हैं खाने पे तुम्हारा। बस बस मैं आ गई, I'm sorry। भाई बड़ी भूख लगी है। हाँ तो खाना शुरू करें ना। अरे भाई तुम भी कमाल करती हो, जल्दी से शुरू करो खाना, बहुत जोर की भूख लगी है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है खाने में भी बहुत मजे का है सालन। वाह भाई खा लो, जब तक ये खाना टेस्ट ना किया जाए उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, है ना यासिर? हाँ बात तो ठीक कही तुमने, अक्सर ऐसा होता है कि चीज दिखने में कुछ और होती है और खाने में कुछ और। अब अपनी खाला की मिसाल ही ले लो। नहीं इस बात का क्या मतलब था आसिफ साहब? अरे सायरा कोई मतलब नहीं है, बस तुम खाना ट्राई करो, ठंडा हो जाएगा। बहुत मजेदार खाना बनाया यासिर ने। भाई वाह यासिर, ये खाना तुमने बनाया? भाई कमाल कर दिया। सायरा ऐसा सालन तो तुम भी नहीं बनाती हो। खाना बहुत अच्छा है। तो मैडम कैसा लगा आपको हमारे हाथ का बना खाना? बहुत बहुत मजे का है। थैंक यू। हाँ निकालो भाई, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, खाना खाओ। अच्छा बनाया खाना, बहुत आला खाना बनाया भाई यासिर, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम खाना भी इतना अच्छा बनाते हो। काफी परेशान लग रही हैं आप। ज्यादा ना फ्री होने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, वरना वरना तो वरना वरना ये गमला देख रहे हो ना, इसी से तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। हाय सारी जिंदगी बने से करना तुम, लड़ना झगड़ना मारपीट सिर्फ यही आता ना तुम्हें, अरे कभी तो तमीज से बात कर लिया करो। अच्छा शक्ल देखिए अपनी, तुमसे तमीज से बात करूंगी? ओहो वैसे मेरी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं है, जरा गौर से देखो। भाई दो मुझे कार्टून देखने का बिल्कुल शौक नहीं है। सॉरी लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। सो कहना कैसी तकलीफ? यही के जो खाना मैंने इतनी मोहब्बत से बनाने की कोशिश की उसे बर्बाद करने की कोशिश, और ये भी नहीं कि सबके सामने मेरा मजाक उड़वाने की भी कोशिश की तुमने, लेकिन आई एम रियली सॉरी, तुम नाकाम हो, अफसोस। अब क्या 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 मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? ओहो सो कहना, अब ज्यादा मत बनो, तुम्हें सब पता है। क्या मतलब है बनो मत? देखो मिस्टर सीधी तरह कहो कि तुम कहना क्या चाहते हो। देखो भाई जिस वक्त तुम खाने में चीनी डाल रही थी ना, मैं उस वक्त पीछे खड़ा सब देख रहा था। खाना होना चाहिए मीठा, जब तक मीठा ना खाने में मजा नहीं। मेरा खाना खराब करेगी चुड़ैल, स्कूल में तुम पढ़ी हो ना बेटा, वहां के टॉपर रह चुके। ओहो आधे घंटे की और मैं रहता। हाँ तो मैंने वो पतीली हटा दी और चूल्हे पे नया खाना चढ़ा दिया, आधे घंटे में नया खाना तैयार। बोलो कैसा दिया? अच्छा दिया ना? यार जितनी स्मार्ट तुम शक्ल से दिखती हो ना, खुदा की कसम उतनी हो नहीं। चुप करो, बकवास ना अपने पास रखो, किसी ने सर्टिफिकेट मांगा है नहीं ना, जाओ जाकर अपना काम करो। हाँ, मैं तो अपना काम करूंगा, लेकिन तुम अपना काम करना। हेलो। हेलो आसिफ, शाम में आप कब तक आएंगे? क्यों अब क्या हुआ?
नहीं मुवा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं समझा शायद यासिर और सुकैना का फिर से कोई नया झगड़ा शुरू हो गया। नहीं नहीं वो लोग झगड़ तो नहीं रहे हैं आसिफ, लेकिन उन दोनों में दोस्ती भी नामुमकिन है। अरे यार थोड़े दिन एक साथ रहेंगे एक घर में तो देखना दोस्ती हो जाएगी। नहीं होगी आसिफ। आपने देखा नहीं था कल रात में खाने पे क्या हुआ? क्या? भाई वो सुकैना जो है वो यासिर के खाने का मजाक उड़ा रही थी। क्यों? क्योंकि सुकैना ने यासिर का खाना रात में खराब करने की कोशिश की थी। क्या वाकई? जी। और आपको पता है यासिर ने भी ना सुकैना की शर्ट जला दी है इस्त्री से। क्या बात कर रही हो यार, और ये सब मुझे क्यों नहीं पता और तुम्हें कैसे पता लगा ये सब? क्योंकि मैं आंखें खोल के इस घर में रह रही हूँ। वो दोनों एक दूसरे को निहायत ही नापसंद करते हैं और बस मैं हर वक्त उन पर नजर रखती हूँ। अब होगा क्या? शादी नहीं होने वाली इन दोनों की। कितना कुछ सोचा था मैंने इन दोनों के बारे में। यार सिर्फ तुमने नहीं सोचा था, मैंने भी कुछ ऐसे ही सोच रखा था। अब जो उनकी किस्मत में होगा ना वही होगा। आप प्लीज एक काम करें, ऑफिस से आते हुए सुकैना को उसकी दोस्त के पास से उठाते हुए आ जाएं प्लीज। यार आज पॉसिबल नहीं हो सकेगा, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं तो लेट हो जाऊंगा। तुम यूं करो यासिर को बोलो कि वो जाके सुकैना को पिक कर ले। क्या हो गया है आपको? मैं यासिर को कैसे बोलूं? और अगर मैं बोल भी दूंगी तो यासिर कभी नहीं जाएगा। और चलिए अगर वो चला भी जाता है ना तो सुकैना यासिर के साथ आने में कभी भी राजी नहीं होगी। अरे यार तुम बोल के तो देखो एक दफा। ठीक है अगर मना करता है ना तो मुझे बताओ। अच्छा भाई आपके कहने में बोल दे। ओके खुदा हाफिज़। वहां से तू फायर मार। यासिर तुमसे काम था। हाँ जी बोले आंटी। दरअसल वो तुम्हारे मामू कह रहे थे कि वो मैं काम तुमसे ही कह दूं। जी जी बोलिए ना क्या काम। वो सुकैना ना सुबह से अपनी फ्रेंड के घर गई भी है और फिर तुम्हारे मामू आज ऑफिस से थोड़ा लेट आएंगे तो वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें कह दूं कि तुम जाके पिक कर लो उसे। नहीं नहीं आंटी आई एम रियली सॉरी, ये बड़ा मुश्किल काम बता दिया आपने, मुझसे नहीं होगा। चलो ठीक है फिर मैं सुकैना से कहती हूँ कि वो अपनी दोस्त से कहे कि वो ड्रॉप दे दे। एक सेकंड मैं चला जाता हूँ सुकैना को पिक करने के लिए, लेकिन आप प्लीज सिर्फ एक काम कीजिएगा, आप सुकैना को एक कॉल करके कह दें कि यासिर उसे पिक करने के लिए आ रहा है। अभी कब होंगे? थैंक यू यासिर। वेलकम। जी आंटी। हेलो। हाँ यासिर पहुंच गए तुम? जी मैं पहुंच गया आंटी, आप प्लीज जरा सुकैना को कॉल करके बताएं कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ उसका, ठीक है? अच्छा मैं अभी इसको बोलती हूँ। थैंक यू बाय। नो 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 क्या बना यार, क्या स्कोर है पाकिस्तान का? हेलो सुकैना। जी खाला। वो यासिर आया है तुम्हें पिक करने के लिए, बाहर खड़ा है, चली जाओ। क्या? मैंने आपको मना भी किया था मुझे उसके साथ नहीं आना है, आपने क्यों भेजा? अच्छा आप जिद मत करो सुकैना, तुम्हारे खालू जो है ना वो ऑफिस में है इसलिए यासिर आया तुम्हें लेने के लिए, जाओ अब जल्दी से। अच्छा ठीक है। एक घंटा इंतजार करवाऊंगी मैं भी, करता रहे इंतजार। अरे कहाँ रह गई ये लड़की? आंटी से कहता हूँ दो मिनट में ये नीचे आ रही है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। जाने तो जाने, ले जाइए मोबाइल। बड़ा समझदार है यार तू तो, चल बच्चे।
लड़की है ही ठीक नहीं, बता रहा हूँ तुझे यार। इसकी वजह से मेरा इतना महंगा मोबाइल चला गया यार। तब छोड़ूंगा नहीं मैं से, आने दे तेरा। एक्सक्यूज मी ड्राइवर, किसका इंतजार कर रहे हो? हेलो, इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने बाहर आने में? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? तुम इस वक्त ड्राइवर की ड्यूटी अंजाम दे रहे हो और बराए मेहरबानी अपने काम से काम रखो, चलो। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल छिन चुका है? अच्छा, कब हुआ? अभी। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा हुआ, मेरा तो दिल खुश हो रहा है। वैसे बात है, तुम थोड़ी शर्म ही कर ले। अरे मैं क्यों शर्म करूं, मैंने डाकू भेजे थे। हाँ, you know what? तुम सिर्फ बात करना ही फजूल है। तो फिर चले, चलो, देर क्यों कर रहे हो, प्लीज लेट्स गो। अल्लाह मैं इस लड़की को गला दबा दूंगा। चले ड्राइवर। बकवास कमेंट्री लगाई हुई है, इससे बेहतर है कि कोई अच्छे गाने सुन ले इंसान। एक्सक्यूज मी, हेलो, मेरी बात सुनो, ये तुमने किससे पूछ के ऑफ किया? ओ हेलो, मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। एक सेकंड, मतलब तुम्हारी वजह से मैं क्रिकेट मैच छोड़ के आया हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल छीन गया और तुम्हारी वजह से मैं आधा घंटा ख्वार जलील होता रहा हूँ यार, और तुम मुझे क्रिकेट की कमेंट्री नहीं सुनने दे रही, पागल हो गई तुम क्या? चुप, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुझ पे। चिल्लाऊंगा, बल्कि जोर से चिल्लाऊंगा, तुम्हें फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत बड़ी ढीठ हो तुम। क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ढीठ बोलने की? अब तो गाड़ी में गाने ही चलेंगे, तुम्हारी कमेंट्री नहीं चलेगी। तो मेरी भी जिद है कि इस गाड़ी में अभी सॉन्ग नहीं बल्कि क्रिकेट की कमेंट्री चलेगी। तो फिर ठीक है, मुझे भी ना कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का, पता नहीं खानों ने तुम्हें क्यों भेज दिया। तुम्हें पिक करने की वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैं आया क्यों? मोबाइल तुम्हारी वजह से मेरा छीना, ऊपर से तुम्हारी बदतमीजी भी फेस कर रहा हूँ मैं। तो मत देखो मेरी बदतमीजी और जाओ यहाँ से। तो कहना, रात का वक्त है, बच्चों वाली हरकतें मत करो प्लीज। तुम्हारी हुक्म के गुलाम नहीं हूँ मैं, कि तुम कहोगे बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगी, तुम कहो उतर जाओ तो उतर जाऊंगी। देखो सुकैना, अगर तुम गाड़ी से उतरी ना तो मैं एक सेकंड भी वेट नहीं करूंगा और निकल जाऊंगा यहाँ से। सारी रात भी अगर मुझे यहाँ खड़े होकर इंतजार करना पड़ा ना, तब भी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी खुशफहमी है, अगर तुम गाड़ी से उतर जाओगी तो मैं क्या है तुम्हारा वेट करूंगा? हरगिज़ नहीं, जाना तो जाओ, जाओ। आप तो कह रहे थे मैं लेट आऊंगा, इसीलिए तो यासर चला गया सुकैना को लेने के लिए। अरे यार, बस वो अचानक से पता चला कि मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, तो मैंने सोचा घर चलूं, चल के तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीऊंगा। अच्छा क्या यासर चला गया? तो आसिफ, मुझे एक बात की बहुत टेंशन हो रही है, मैं सोच रही हूँ ये दोनों फिर आमने सामने आएंगे तो फिर लड़ाई करेंगे। अरे यार, तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? अच्छा है ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें एक साथ, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, और एक तरीके से मैं कहता हूँ अच्छा हुआ यासिर चला के लेने के। अरे यासिर, तुम आ गए, खैरियत? इतनी देर लग गई? हाँ, आपकी भांजी ने पूरा एक घंटा वेट करवाया मुझे, उसके बाद बाहर आई है वो। तो वो है कहाँ इस वक्त? पता नहीं, होगी कहीं। क्या क्या मतलब पता नहीं? मतलब ये कि आधे रास्ते गाड़ी से उतर गई थी वो। क्यों? क्योंकि मैडम को गाने सुनने थे और मैं क्रिकेट कमेंट्री सुनना चाहता था बस। या अल्लाह यासिर, तुम्हें इस तरह से उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन यासिर, तुम्हें इस तरह उसको अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कल मैं क्या करता, वो गाड़ी में बैठ ही नहीं रही थी, मैं क्या सारी रात वहां खड़ा थोड़ी हो सकता था। तो मुझे एक कॉल करके बता देते तुम। कहां से कॉल करता आपको आंटी, मोबाइल छिन गया मेरा। क्या? हाँ, उन मोहतरमा का वेट कर रहा था मैं कब से, उस दौरान फिर दो बाइक वाले आए और गन दिखा के मोबाइल ले गए। अरे तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। आसिफ, अच्छा खासा सलामती के साथ आपके सामने बैठा है, आप फिर भी पूछ रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं कहा? मुझे सुकैना की इतनी फिक्र लगी हुई है, पता नहीं
पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगी। फोन करो, पता करो। जब मैंने आपसे कहा था कि आप जाए उसको लाने के लिए तो आप क्यों नहीं गए? आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। भाई भाई इसी रुको, सुनो बाजी। ये ना फोन आ रहा है, इस ये फोन उठाओ और कहो कि ये मोबाइल यहाँ पड़ा। उठाओ, उठाओ। हेलो सुकेना, तुम कहाँ हो इस वक्त? हमें फोन पड़ा हुआ मिला है। मोबाइल पड़ा हुआ मिला है, मगर कहाँ पड़ा हुआ मिला है? रोड से। हेलो, अब पता चलेगा यासिर को। चलो भाई चलो, ला खैरी करे। पता नहीं सुकैना कहाँ होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा यासिर, मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी? यार तुम क्यों टेंशन ले रही हो, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। अरे भाई उसका फोन कहीं पड़ा हुआ था और अब वो भी बंद हो गया, और आप कह रहे हैं मुझसे कि मैं परेशान ना हूं। लेकिन उसे भी तो इस तरह गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए था ना। प्लीज आंटी आप फिक्र मत करें, मैं और अंकल चलते ढूंढते जाके उन्हें, जहां मैंने उतारा था उसे। तुमने उसे उतारा ही क्यों था? इस बेचारे को क्यों डांट रही हो, इसका अकेले का कसूर तो नहीं था? तुमने अपनी भांजी की हरकतें देखी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन तो मेरे पास है, मिल गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। हाँ तो गलती भी आप ही की है ना, क्या जरूरत थी इसको भेजने की, जबकि आपको पता है कि मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ये क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम गाड़ी से उतर रहे हो। तुम तो बिल्कुल चुप कर जाओ यासिर, मैं तो तुम्हें बहुत अकलमंद समझती थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही ऑपोजिट निकले। बस कर दो सायरा, अपनी भांजी की हरकतें नहीं देख रही हो, सारा इल्जाम तुम इस तरह इसको नहीं दे सकती हो। नहीं क्या 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 किया है मेरी भांजी ने, आप मुझे जरा बताएं। सिर्फ इतना ही कहा है ना कि गाने लगा दो। क्यों कह रही थी, कोई छोटी बच्ची है क्या ये? तो ये छोटा बच्चा है, ये क्यों जिद पे अटका हुआ था? इस बेचारे का तो मोबाइल छिन गया इसके चक्कर में। इसने फोन नहीं छिनवाया, बिना वजह इसको इल्जाम ना दें आप। हाँ लेने भी तो इसी को गया था, क्यों एक घंटा लगाया घर से बाहर निकलने में? तो क्या हुआ अगर एक घंटा लग गया, कोई वजह ही हुई होगी ना। बस कर दो, एक तुम सीधी और एक तुम्हारी भांजी सीधी, तुम्हारे खानदान वाले तो कोई गलती करते ही नहीं है। आसिफ आप मेरे खानदान पे मत आए। तो प्लीज बस कर देना, आप रहने दो, जो बात गलत है वो गलत है, मैं इसी तरह कहूंगा। नहीं आप मेरे खानदान पे गए कैसे, मुझे अभी इसी वक्त इस बात का जवाब चाहिए। मेरी मर्जी, अरे हद होती है सुनने की भी, कब से बर्दाश्त की जा रहा हूँ, सुनाई जा रही हो, अपनी भांजी की हरकतें नहीं देख रही, मेरे बेचारे भांजे को सुनाई जा रही हो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हाँ हाँ जाओ जाओ, मुझे भी तुमसे कोई बात करने का शौक नहीं है। हो गया तुम्हारा शौक पूरा? क्यों मैंने क्या कर दिया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया। अरे दो लोग जो आज तक जिंदगी में आपस में लड़े नहीं है, आज तुम्हारी वजह से लड़के चले गए, मुबारक हो तुम्हें। मैंने क्या किया है? क्या बात है खाला? एक मिनट में बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारे खालों को, नहीं रहना है मुझे उनके साथ, आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। अगर आप लोग झगड़ क्यों रहे? तुम्हारे आने से पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी यासिर से करवा दूंगी। क्या? लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि नहीं करवाई, नहायत ही फजूल और नकारा किस्म का लड़का है, और आज तो तुम्हारे खालों की भी मैंने असली रंग देख ली है। कम से कम खालों के बारे में तो इस तरह बात मत करें। क्यों ना बोलूं, तुमने देखा नहीं किस लहजे में मुझसे वो बात कर रहे थे? अरे वो परेशान थे इसलिए ऐसी बातें कर रही थी। अगर वो परेशानी में थी तो मुझसे इस लहजे में बात करेगी? अच्छा ना छोड़े ना, आप क्यों बिना वजह छोटी सी बात को इतना सीरियस ले रहे हैं? या सर बात तो अब सीरियस हो चुकी है। प्लीज ऐसा मत करें, जाए और आंटी से बात करें। मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन उस औरत के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। घुटने टेकने की बात कौन कर रहा है, और वैसे भी जहाँ मोहब्बत होती है लड़ाई झगड़े तो होते हैं ना। या सिर्फ कुछ भी हो जाए मैं हरगिज भी वापस नहीं जाऊंगा। तुमने देखा नहीं था वो किस तरह मुस्तकिल अपनी भांजी को सपोर्ट कर रही थी और सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा रही थी, और मैं ये सारा तमाशा वहां खड़े होकर देखता रहता। ठीक है
यासिर, 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 आवाज नहीं आती क्या? सॉरी सॉरी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वाओ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। देखो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलो। मैं जानती हूँ कि कल मेरी गलती थी, मतलब तुम्हारी भी गलती थी ही। तुम्हारी छोटी सी क्लास लगवाने के लिए मैंने इतना ड्रामा किया, लेकिन वो ड्रामा इतना बढ़ जाएगा मुझे आइडिया नहीं था। थैंक गॉड, अब जिंदगी में पहली बार तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की है यार, वाह। देखो मैंने ये नहीं कहा कि सारी गलती मेरी थी, तुम भी बराबर के शरीक हो। लो फिर से आगे लाइन पे। देखो हमारा झगड़ा बाद में, लेकिन इस वक्त हमें खाला खालू की सुलह करवानी चाहिए ना। अगेन थैंक गॉड कि तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग भी है। प्लीज मुझ पे टॉन्टिंग करना बंद करो और इस बात का हल निकालो।